वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में एम्स गोरखपुर में परमानेंट वैकेंसी निकली है। इन पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। मार्च तक आपको लास्ट डेट दी गई है। तो यहाँ पर किसी भी स्टेट के, चाहे आप MP, UP, बिहार कहीं के भी हो, यहाँ पर आप पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि ये पोस्ट है जो GNM वालों के लिए नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको एम्स गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें बस बताऊँगी जो कि आपके लिए अपकमिंग जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हैं, ये निकली हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी एम्स गोरखपुर के लिए UP में। तो यहाँ पर टोटल 23 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए एक पोस्ट है जिसमें ओनली जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। दूसरी है एसोसिएट प्रोफेसर इन नर्सिंग, जिसमें दो पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी की। असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन नर्सिंग में तीन पोस्ट हैं, वो भी जनरल की। अब आती है ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट। तो यहाँ पर टोटल 17 पोस्ट हैं जिसमें OBC, जनरल, SC, ST, WS सभी यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 23 पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे कौन यहाँ पर एलिजिबल रहेगा कौन नहीं। तो यहाँ पर 4% वैकेंसी PWED कैंडिडेट के लिए है जो रिजर्व करके रखी गई हैं। अब हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जिसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए आपके पास MSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, आपका रजिस्ट्रेशन हो, एटलीस्ट आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो नर्सिंग के फील्ड में, एंड देन ये सभी चीज़ें आपकी जब आपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो जब यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। टोटल 10 साल के एक्सपीरियंस में से यहाँ पर कहा गया है कि एटलीस्ट 7 साल का नर्सिंग एजुकेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट है 55 ईयर। एसोसिएट प्रोफेसर में भी MSc नर्सिंग मांगी गई है जिसमें से आपके पास एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एंड जिसमें से 5 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा हो, बाकी 3 आपका अदर में भी काम करने का चल जाएगा। और यदि इनके पास PhD होगी नर्सिंग में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट है 50 ईयर, 50 साल तक। यहाँ पर अब जिन पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन नर्सिंग की, तो मास्टर डिग्री MSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास और यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल आपका एटलीस्ट टीचिंग में हो, एज लिमिट 50 ईयर है। ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन पे आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो इस टाइम तक तो नहीं बैठे रहते, उनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो ही जाता है, बट जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में आपके पास BSc नर्सिंग हो या फिर BSc के एलिजिबल, मतलब कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी आपकी चलेगी, रजिस्ट्रेशन हो आपके पास, एंड यहाँ पर आपके लिए एटलीस्ट 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा, एज लिमिट है अप टू 35 ईयर्स, एंड देन अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके इस बार ऑफलाइन मोड से जाना है। अभी रिसेंट जितने भी एम्स में वैकेंसी निकाली गई हैं सभी जगह ऑफलाइन मोड के थ्रू है जो फॉर्म मांगे गए हैं। डेट यहाँ पर दी हुई है 21 मार्च 2022, लास्ट डेट है शाम के 5 बजे तक। एम्स गोरखपुर में आपका फॉर्म है जो शाम के 5 बजे के पहले है जो पहुँच जाना चाहिए। ये रहा है यहाँ पर एड्रेस जिस पे आपको अपना फॉर्म है जो भेजना होगा। पेमेंट यहाँ पे अच्छी आपको मिलने वाली है। तो ट्यूटर कम क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर को लेवल 10th से पे किया जाएगा, तो 56,100 से लेके 1,77,500 तक पे होगा। यदि यही हम प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की बात करें तो 1,23,000 इनिशियल पेमेंट होगी जो कि 2,15,900 तक हो सकती है। एज लिमिट में यहाँ पर तो जो ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं 35 ईयर एज लिमिट दी हुई है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, एंड देन आपको फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करना है। जिनके पास क्वालिफिकेशन हो वही लोग फॉर्म फिलअप करें। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको एम्स गोरखपुर के नाम का। जनरल और अदर कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये लगेंगे, बाकी सबके लिए 800 रुपये लगेंगे। फ़ीस है जो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी, PWD वालों को कोई भी फ़ीस है जो नहीं लगने वाली है।
एंड देन आफ्टर यहाँ पर बात आती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये सभी चीज़ें एलिजिबिलिटी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सेप्टेंसी के बेस पर, इन सभी चीज़ों के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होगा। देन आपको अलॉट किए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर एंड देन आपको एग्ज़ाम देना होगा। मेरिट के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और यहाँ पर एटलीस्ट 2 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड भी होगा। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट डेट का वेट ना करें, आप लोग फॉर्म को सबमिट करें, क्योंकि ऑफलाइन मोड के थ्रू फॉर्म जाना ही रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको डाउनलोड करें, देन फिलअप करके एम्स की गोरखपुर का जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पर आप अपने फॉर्म को भेजें। तो जो भी चीज़ें आपको अपने फॉर्म में फ़िलअप करके जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। सो आई होप आपके लिए नोटिफिकेशन हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।